शुक्रवार को शहर भर में अनेक स्थानों पर विजयादशमी पर्व मनाने के साथ ही रावण दहन किया गया। वहीं इस बार आचार संहिता के चलते आयोजनों के मंचों से विधानसभा चुनाव में दावेदारी कर रहे भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी दूर रहे। आयोजकों के मुताबिक इस बार शहर में 31 से लेकर 125 फीट के रावण का निर्माण किया गया है। दशहरा मैदान, चिमनबाग, तिलक नगर, विजयनगर, छावनी में रावण दहन के आयोजन में शामिल होने के लिए हजारों लोग जुटे। इस बार छावनी में चलित तो रामबाग में इको फ्रेंडली रावण बनाया गया था। विजयादशमी पर मिनटों में लंकेश का अहंकार जलकर खाक हुआ। दशहरा मैदान पर दशहरा महोत्सव समिति द्वारा 111 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। 20 फीट के रथ पर राम लक्ष्मण शोभा यात्रा पहुंची। पहले लंका का दहन हुआ, जिसके बाद भगवान राम ने रावण का दहन किया। इसी प्रकार चिमनबाग मैदान में 250 फीट की लंका जलाई गई, जिसके बाद 125 फीट का रावण दहन किया गया। दहन के पहले आकर्षक आतिशबाजी भी की गई। वहीं तिलक नगर में 51 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। साथ ही विजयनगर में 71 फीट ऊंचे आतंक रूपी रावण का दहन किया गया और रामबाग मैदान पर 101 फीट के इको फ्रेंडली रावण का दहन किया गया। शहर में जगह जगह बड़ी संख्या में रावण दहन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं रावण दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग बच्चों के साथ पहुंचे। पिछले 20 वर्षों में जो रावण दहन का कार्यक्रम हो रहा है, हर बार यहाँ पर नए नए स्वरूप होता है।